तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी फाइनेंशियल ईयर आपका कब से शुरू होता है, तो कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, सन चाहे जो भी हो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो यहाँ पे सन हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ईयर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 1 अप्रैल ही रहने देता हूँ, 1 अप्रैल 2021 ही रहने देता हूँ, ठीक है। आप केवल 21 भी टाइप कर देंगे तो ये टैली सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि ये 21 को भी 2021 कंसीडर कर लेगा। देखिए यहाँ पे केवल मैंने 1/4/2021 लिखा है ना, यानी 1 अप्रैल 2021, तो ये 21 को भी 2021 ही कंसीडर करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2021 अपने आप आ गया ना, और डेट का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब इसका मतलब क्या है, तो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की डेट डाल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड वाली डेट यहाँ पर आपको नहीं डालनी है, क्या डालना है यहाँ पे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, काम आपका कब से शुरू हो रहा है, वो चीज आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर तो जब भी शुरू होगा, इंडिया में काम करेंगे तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, ठीक है, यूएई में काम करेंगे तो 1 जनवरी से शुरू होगा, ठीक है। तो इंडिया में हम काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर तो हमारा बिल्कुल सही है, कभी भी हम काम करें, हमारा काम चाहे 8 अगस्त को शुरू हो, 10 सितंबर को शुरू हो, 20 जनवरी को शुरू हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमारा कभी भी 1 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन काम हमारा कब से शुरू होगा, दूसरा ऑप्शन यही कहता है कि काम हमारा कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये मैं एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो आप 1 तारीख के डेट में काम कर पाएंगे, या तो 2 तारीख के डेट में काम कर पाएंगे, या तो 31 तारीख के डेट में काम कर पाएंगे, ठीक है, ये 3 ही डेट में आप काम कर पाएंगे, 31 तारीख और 2 तारीख, ये 3 ही डेट में आप काम कर पाएंगे। ओरिजिनल वर्जन आपको 17,000 से 18,000 का मिलेगा 1 साल के लिए टैली का, ठीक है, वहां पर आप काम कर पाएंगे किसी भी डेट में। इसमें ये जो आपको एजुकेशनल वर्जन दिख रहा है इसमें, और जो ओरिजिनल वर्जन होता है इसमें, दोनों में केवल यही डिफरेंस है कि ओरिजिनल वर्जन जो है, जो आपका पेड वर्जन होगा जो आप खरीदेंगे, उसमें कोई भी डेट आप चेंज कर पाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी डेट नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ 3 डेट्स पे काम कर सकते हैं ओरिजिनल एजुकेशन वाले। हाँ, एजुकेशन वाले में 3 डेट पे काम करेंगे, ठीक है, 31 तारीख में काम करेंगे, 1 तारीख में या 2 तारीख में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डेट, जैसे मान लीजिए आप चाहेंगे कि आपका काम 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 3 नहीं कर पाएंगे आप, तो जैसे ही 3/4/2021 करेंगे ना, तो ये लेवल नहीं करेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, देखिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही डेट मैं 2/4/2021 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये आगे बढ़ जाएगा, हो गया। और टैली में एक चीज जान लीजिए कि कभी भी लास्ट तक आपको एंटर 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 करना है, यहाँ पर आ गए, ये इंडियन करेंसी है, ठीक है, फॉर्मल नेम है INR, ठीक है, इंडियन करेंसी का, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए ये एक्सेप्ट हो गया, इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है।